गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 20 में हम बताएंगे इंटीरियर ऑफ सेट क्या होता है और एक्सटीरियर ऑफ सेट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, एक्सटीरियर पॉइंट क्या होता है। उसके बाद हम बताएंगे यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट्स क्या होता है, सब स्पेस ऑफ मैट्रिक स्पेस क्या होता है और रिलेटिव ओपन सेट क्या होता है। तो जो मैट्रिक स्पेस का जो चैप्टर वन था ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में बताएंगे। यूनिट जो जो चैप्टर वन, यूनिट थ्री का जो चैप्टर वन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं हम सबसे पहले यहाँ पे, तो देखते हैं इंटीरियर ऑफ सेट होता क्या है। इंटीरियर ऑफ सेट में लेट एक्स डी बी या मैट्रिक स्पेस है, कोई भी एक आपका मैट्रिक स्पेस है, और क्या है, ए इज द सबसेट ऑफ एक्स। ए इज द सबसेट ऑफ क्या है, एक्स है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग्स टू कोई एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग कर रहा है। इस एक्स एलिमेंट को हम इंटीरियर पॉइंट्स तब कहेंगे ऑफ सेट ए का, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज द सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल कंटेन्स इन ए। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई ए। ए यहाँ पे जीरो से, ए नॉट से या आई एन टी ए से डिनोट करते हैं। आई एन टी ए और ए नॉट से डिनोट करते हैं यहाँ पे। ये क्या होता है एक्चुअली में, एक टाइप का एक्स एक एलिमेंट होगा जो उसके नेबरहुड में होगा, वो नेबरहुड ए ए का ही सबसेट होगा, या तो हम इसको एक्स यस एक्स आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स आर से डिनोट करते हैं, इज द सबसेट ऑफ ए। आर क्या होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो हम इंटीरियर ऑफ ए सेट को कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे देख लेना है। यहाँ पे लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड अ इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए इफ एंड ओनली इफ एक्स इज द सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल कंटेंट्स इन ए। द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ सेट ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाई इंटीरियर ए। और ये मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, कैसे करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, जो हमने यहाँ पे बोला वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इंटीरियर पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से पढ़िए, उसको समझ में आ जाएगा ये चीज। तो इंटीरियर पॉइंट होता क्या है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट, तो बाई डेफिनेशन आ जाता है कि हम इसको इंटीरियर पॉइंट क्या कहते हैं। तो मेन आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स एक एलिमेंट ऐसा होगा, इंटीरियर पॉइंट तब कहेंगे यहाँ पे जब क्या होगा, ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जब उसके क्या होंगे, ऑल पॉइंट्स ओपन, सेम ओपन बॉल में जो भी पॉइंट्स है उसमें कॉन्टेंस कर रहे होंगे ए में। आगे आते हैं हम यहाँ पे एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। तो एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ सेट तो क्या कहेंगे हम, एक्सटीरियर पॉइंट। तो एक्सटीरियर पॉइंट कैसे हमको डिफाइन करना है, इंटीरियर पॉइंट के बेस पे ही। अगर आपको इंटीरियर समझ में आएगा तो एक्सटीरियर भी ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड एक्सटीरियर ऑफ, ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट का जो इंटीरियर पॉइंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए इज कॉल्ड द इंटीरियर, एक्सटीरियर ऑफ ए, इट इज डिनोटेड बाई एक्स ई एक्स टी ए। ठीक है, या इंटीरियर, या ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर, या ए कॉम्प्लीमेंट का नॉट। ठीक है, तो इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट समझ जाना यहाँ पे। तो अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट निकालना है तो हम उसको बोलेंगे एक्सटीरियर, अगर हम ए का इंटीरियर पॉइंट्स निकालना है तो हम उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट। ठीक है, तो एक बार आप समझ लीजिए अच्छे से इंटीरियर पॉइंट होता क्या है। लेट एक्स भी कोई आपके पास कोई भी एक मैट्रिक स्पेस होगा। ठीक है, और हम क्या करते हैं, कोई भी एक सेट ले लेते हैं, अब उस सेट में से कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं एक्स। अब इस एक्स को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर पॉइंट तब बोलेंगे। ठीक है, सेट इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। ठीक है, इस एक्स को हम इंटीरियर पॉइंट हम उसको बोलेंगे इफ एंड ओनली इफ ये जो एक्स है यहाँ पे उसमें वो वैल्यू हो, इफ एक्स इज द सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल, एक्स क्या हो, सेंटर ऑफ ओपन बॉल हो कॉन्टेंट इन ए। ठीक है, तो ध्यान देना यहाँ पे, इफ एक्स इज द सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल, ठीक है, तो जितने भी उसमें ओपन सेट होंगे, ठीक है, उनके सेंटर हो और कॉन्टेंट इन क्या होगा, ए होगा, देन द सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए कॉल्ड इंटीरियर ऑफ ए। तो सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स क्या होंगे, तो सबसे पहले आप इंटीरियर पॉइंट को डिफाइन करो, तो एक्स को इंटीरियर पॉइंट कैप कहते हैं यहाँ पे जब वो क्या होता है, सेंटर ऑफ सम ओपन वॉल होता है और कॉन्टेंट इन ए में होता है। और ऐसे जितने भी सेंटर ऑफ सम ओपन बॉल, जितने भी ओपन बॉल्स होंगे सबके सेंटर्स का अगर हम डिफाइन कर दे और सबको हम क्या कर दें, एक साथ अगर कर दे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उनके सेट को क्या बोल देंगे कि वो क्या है, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए होते हैं। उसको डिनोट कैसे करते हैं, आई एन टी ए या ए नॉट। ठीक है, एक्सटीरियर पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर पॉइंट। तो इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कम्प्लीमेंट, तो ए कम्प्लीमेंट का जो होगा हमारा इंटीरियर पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसको हम बोल, जैसे वहाँ पे ए के लिए डिफाइन था, आप ए कम्प्लीमेंट के लिए जो इंटीरियर डिफाइन होगा उसी को हम क्या बोल देंगे, एक्सटीरियर। ठीक है, आगे आते हैं हम, आगे क्या कहते हैं यहाँ पे, बाउंड्री पॉइंट्स क्या होते हैं। तो बाउंड्री पॉइंट्स का मतलब क्या हो जाएगा, देखते हैं हम। लेट एक्स बी क्या है आपके पास, कोई भी एक मैट्रिक स्पेस, तो लेट लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज द सबसेट ऑफ एक्स।
अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए इफ एक्स इज नाइदर द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए नॉर द ए कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब क्या है, बाउंड्री पर ना तो अंदर हो, ठीक है, तो ए आपका सेट ऐसा होगा यहाँ पे, ये इंटीरियर हो जाएगा, ये आपका क्या है एक्सटीरियर हो जाएगा, तो ना इधर इंटीरियर पॉइंट्स हो यहाँ पे और ना ही क्या होगा इसका कॉम्प्लीमेंट में हो, तो इसका मतलब क्या होगा बाउंड्री पे ही पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट्स। तो इसको और अलग बुक में अलग डिफिनेशन दिया हुआ है, आप ध्यान से देख लीजिए। एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स इज कॉल्ड द बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ ए इफ ईच ओपन बॉल या नेबरहुड हुज सेंटर इज एक्स कॉन्टेन्स ए एंड ए कम्प्लीमेंट बोथ द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ए इज कॉल्ड द बाउंड्री ऑफ ए एंड इट इज डिनोटेड बाई डेल ए, ठीक है। तो बाउंड्री को किससे डिनोट करते हैं, डेल ए से। आपको बस ध्यान ये देना है यहाँ पे कि आपको क्या है, एक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा उसको बाउंड्री तब कहेंगे, या तो ये ना इंटीरियर पॉइंट्स में इंक्लूड होता होगा ना ही एक्सटीरियर पॉइंट में इंक्लूड होता होगा, या तो बाउंड्री पॉइंट हम तब कहेंगे यहाँ पे कि जो भी आपके पास ओपन बॉल है, इफ ईच ओपन बॉल या जो भी नेबरहुड दिया हुआ है उसका सेंटर जो भी है वहाँ सेंटर है ए में कॉन्टेन करता हो और ए कॉम्प्लीमेंट में भी, ठीक है, मतलब ए में कॉम्प्लीट करेगा और ए कॉम्प्लीमेंट में भी, अगर ए का जो कॉम्प्लीमेंट है उसमें भी अगर उसका सेंटर अगर करता है दोनों में, तो हम उसको क्या बोल देंगे कि वो क्या है, जितना भी ऐसे सेट लेंगे सबको हम क्या बोलेंगे, बाउंड्री पॉइंट। फिर हम बात करते हैं सब स्पेस, ठीक है, सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस। तो सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक स्पेस क्या हो जाएगा, लेट एक्स डी कोई भी हमारा क्या है एक मैट्रिक स्पेस है यहाँ पे एक्स डी है, तो वाई को वाई क्या है बी अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, तो इसको कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे, तो डी वाई, ठीक है, वाई द प्रॉपर सबसेट ऑफ यहाँ पे एक्स, तो इसको कैसे लेट डी वाई, तो वाई टू वाई यहाँ पे कितना हो जाएगा आर, ठीक है, तो डी वाई, तो जो सब स्पेस है उसको हम कैसे लिखेंगे डी वाई से यहाँ पे, तो सब स्पेस किसका डी वाई किसका एक्स वाई का, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं डी वाई जो सब स्पेस है वहाँ पे इक्वल टू डी एक्स वाई फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई क्रॉस एक्स। इस जो डी वाई है यहाँ पे डी वाई को हम क्या बोलेंगे, इस जो मैट्रिक ऑन वाई और वाई डी वाई या वाई डी, इसको हम क्या बोलते हैं सब स्पेस ऑफ एक्स डी, ठीक है। तो जब भी डी वाई वाई डी वाई से डिनोट कर दोगे या वाई डी से हम डिनोट करेंगे तो हम इसको क्या बोल देंगे कि क्या है ये एक सब स्पेस है, किसका एक्स डी का, ठीक है। तो बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि वाई क्या होगा यहाँ पे, वाई बी अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए, आपको मेन पॉइंट यही रखना है कि वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए था यहाँ पे, वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए। अगेन हम आते हैं यहाँ पे रिलेटिव ओपन सेट, तो रिलेटिव ओपन सेट के बारे में हम आते हैं, रिलेटिव ओपन सेट होता क्या है, अब देखते हैं यहाँ पे। अगर आपको सब स्पेस पता है, ठीक है, सब स्पेस का मतलब क्या है, वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए, ठीक है, वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स होना चाहिए था, और यहाँ पे जो वाई डी हम करेंगे इसी को हम वाई डी को ही हम क्या बोलते हैं सब स्पेस, या वाई डी वाई को ही बोलते हैं हम क्या, वाई डी वाई को हम क्या बोल देंगे यहाँ पे सब स्पेस। तो एक्स भी आपका कोई मैट्रिक स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, ठीक है, वाई बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ एक्स, देन इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डी वाई एक्स वाई, तो डी वाई एक्स वाई जैसे हम इसको बोलेंगे जैसे हम निकालते हैं, अब ये डी वाई एक्स वाई क्या होता है एक्चुअली में ये भी एक मैट्रिक स्पेस ही है, तो क्योंकि मैट्रिक स्पेस है और उसी से रिलेटेड है यहाँ पे, ठीक है, हम इस क्या बोल देंगे डी वाई जो वाई डी एक्स वाई है यहाँ पे हम क्या बोल देंगे वाई डी वाई, और वाई डी को ही हम क्या बोल देंगे सब स्पेस बोल देंगे। आते हैं हम रिलेटिव ओपन सेट के बारे में, और रिलेटिव ओपन सेट होता क्या है, सपोज वाई डी क्या है आपका कोई भी एक सब स्पेस है, किसका सब स्पेस है यहाँ पे एक्स डी क्या है, और ए क्या है इज द सब स्पेस क्या है यहाँ पे, ए इज द सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए था यहाँ पे वाई, ए इज द सबसेट ऑफ वाई, देन ए इज कॉल्ड ओपन सेट रिलेटिव या रिलेटिव ओपन सेट, तब जाके हम ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे कि क्या है ए क्या है हमारा एक ओपन रिलेटिव सेट है टू वाई, इफ फॉर ईच एक्स कॉन्टेन्स ए देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल एक्स एस वन एक्स आर, ठीक है, एस वन एक्स आर ये एग्जिस्ट कर रहा होगा वाई टू वाई, ये तो डिफाइन किया गया यहाँ पे वाई बिलोंग्स टू कैपिटल वाई डी एक्स वाई लेस देन आर, यहाँ पे सच दैट एस वन आर क्या होगा ये बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए था हमारा ये होना चाहिए सबसेट ऑफ ए, ये जो ओपन बॉल है यहाँ पे ओपन बॉल के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, वो बिलोंग्स टू किससे कर रहा है सेट ए से ही कर रहा है या सेट ए का ही पार्ट है, तब जाके हम क्या बोलेंगे उसका कि वो रिलेटिव ओपन सेट है, तो वो ओपन बॉल होना चाहिए वहाँ पे और ओपन बॉल का ही एलिमेंट होना चाहिए, और कंडीशन ऐसा होना चाहिए आपके पास कि यहाँ पे एक्स वन एक्स एस वन एक्स आर जो ओपन बॉल का जो सेट है वहाँ पे वो ओपन बॉल में जो इतने एलिमेंट हैं जो ओपन बॉल को सेटिस्फाई करते हैं उनका जो आप सेट लोगे वो हो जाएगा रिलेटिव ओपन सेट, ठीक है।
तो आपके पास क्या है, लेट वाई डी बी ए सब स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स स्पेस एक्स डी, और ए आपका क्या है, इज द सबसेट ऑफ वाई, देन ए इज कॉल्ड ओपन ओपन सेट या रिलेटेड टू वाई। इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट एन ओपन वॉल एस वन एक्स आर इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू वाई डी एक्स वाई लेस देन आर, सच दैट एस वन एक्स आर, एक्स है यहाँ पे, एक्स आर लेस देन क्या हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिलेटिव सेट्स आपको समझ में आ गया होगा। कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है यहाँ पे, तो देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेम्बर होना चाहिए और एग्जाम में हेल्प करेगा। तो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इस चैप्टर में मैट्रिक्स स्पेस पर जो चैप्टर वन है यहाँ पे उसमें हेल्प करेगा। तो मैंने बताया एवरी डिराइव सेट क्या होना चाहिए आपका, एवरी डिराइव सेट क्या होता है, एक क्लोज सेट होता है। एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड, आप ये रखना, एवरी कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन अ मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड। ये एक्चुअली में आप इससे पहले वाला जो चैप्टर था या पहले वाला जो बुक था यहाँ पे उसमें आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो मैट्रिक्स स्पेस से पहले एनालिटिक जो पढ़ रहे थे आप, ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था कन्वर्जेंस सीक्वेंस इन मैट्रिक्स स्पेस इज बाउंडेड। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इन अ मैट्रिक्स स्पेस विल बी ओपन, अ सिंगलटन सेट इज क्लोज सेट, आपको याद रखना है। एवरी सबसेट ऑफ डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस इज क्लोज, और जो सबसेट दिया हुआ था यहाँ पे, सपोज मान लेते हैं ए इज द सबसेट है यहाँ पे और ये क्या है, डिराइव सेट है। इन दोनों सबसेट और डिराइव सेट का जब हम यूनियन लेते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर ऑफ सेट। ठीक है, तो ये आप याद रखना है यहाँ पे, तो इसको एक बार आप नोट कर लेना, यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना और एक बार अच्छे से समझ लेना यहाँ पे। एक्चुअली में ये जितने थ्योरम्स में आया और जितना अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा दिया उन सब चीज का जो कंक्लूजन था यहाँ पे वो हमने लिख दिया है यहाँ पे, तो आप इसको नोट डाउन जरूर कर देना यहाँ पे, काफी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स आप के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए तो और भी इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच, वीडियो को आप जरूर लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना अपना नाम और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।